बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूवर्स, आर एफ इंजीनियर डॉट के नाम से मेरा चैनल है, इसमें आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। इसमें आप पहले प्रोग्राम कुछ वीडियो देखते आ रहे हैं, लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो, कुछ पोस्ट रोड से मतलब सीवर के मतलब। आज से मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं सर्वे पार्ट 1 के नाम से, जिसमें आपको लेवल शीट के मतलब बताएँगे। ये आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है सर्वे पार्ट 1, नीचे उसके लिखा हुआ लेवल शीट। उसके नीचे लाइन पे आ जाएं तो लिखा हुआ है BM, यहाँ पर आप BM की वैल्यू लिखती हैं कि उसका लेवल क्या है, फिफ्टों में है, मीटरों में, वो अपने साथ मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल मीटरों में है तो 200.00 मीटर। उसकी बैक साइड रीडिंग जो आप ऑटो लेवल से पढ़ते हैं, फिर आगे आ जाता है HI, डेट, लेयर और चेंज। BM की वैल्यू आप यहाँ पर लिखते हैं, फिर आप जो स्टाफ ऑटो लेवल से स्टाफ रीडिंग पढ़ते हैं वो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी BM की वैल्यू है 210.00, बैक साइड है 1.50, जो भी आपने पढ़ी होती है उस मौके पे, कुछ भी हो सकती है, 1.90 भी हो सकती है, 1.50, 1.35। फिर आपकी BM और बैक साइड जमों के आगे बन जाएगी, लाइन पे आ जाएगी HI, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगली लाइन पे आ जाता है डेट, यहाँ पर आप डेट लगते हैं जिस डेट को आपने लेवल शीट बना रहे होती है। नीचे आ जाएँ तो लिखा हुआ लेयर, NGC की लेयर है, एम्बैकमेंट फर्स्ट है, सेकेंड है, सब ग्रेड फर्स्ट सेकेंड है, सब बेस है, और चैनेज कि ये लेवल शीट जो आप बना रहे हैं ये किस चैनेज से किस चैनेज तक है। फॉर एग्जांपल 0.00 अप टू 0.200। ये मैंने लिख दिया BM 210.00, बैक साइड 1.50। ये BM की वैल्यू है 210.00, इसमें प्लस किया 1.50 तो ये HI बन गई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 211.50। आगे आगे डेट, आज की डेट डाली है 11/4/2024। लेयर NGC की है और चैनेज है 0.00 अप टू 0.100 तक। अब 0.00 से लेकर 0.100 तक जो चैनेज लिखा है, ये जो मैंने अभी आपको ये लिखी थी जिसको आपको अभी बताएंगे कि ये तो मैंने आपको एक पेज के ऊपर लिख के हैंड राइटिंग से लिखा है, अभी आपको बताएंगे कि लेवल शीट के ऊपर इसको कैसे वहाँ पे कैसे इसकी होती है प्रिंट होता है, इसको कैसे फिल करते हैं, इसके मतलब अभी आपको आगे जाके बताता हूँ। तो व्यूअर्स, ये लेवल शीट जो प्रिंट होता है इसको आपने साइड के ऊपर पढ़ के तो आपने इसको फिल करना होता है। ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है BM, तो यहाँ पर BM के लिख दिया हम लोकेशन, आगे वैल्यू, उसकी वैल्यू जो मैंने आपको बताया था कि 200.00, तो इस जगह के ऊपर वैल्यू की जगह पर हम उसको लिखेंगे BM की वैल्यू 200.00, और बैक साइड पर आ जाएगा 1.50 और HI बन जाएगी इसकी 211.50, और लेयर आ जाएगी इसकी यहाँ पर NGC लेयर होगी, और डेट ऊपर आप लिखेंगे, और नीचे हम चैनेज लिखेंगे 0.00 अप टू 0.100 तक। व्यूवर्स, जो इधर मैंने आपको पहले लिख दिया था सर्वे पार्ट 1 लेवल शीट, BM 210.00, बैक साइड 1.50, HI 211.50 और डेट 11/4/2024, और नीचे लेयर NGC और चैनेज 0.00 अप टू 0.100। तो इसको मैंने यहाँ पे लेवल शीट में आपको पहले दिखा चुका हूँ, यहाँ पे लिखी उसकी वैल्यू लिखी है 210.00 मीटर, और बैक साइड चूँकि हम मीटर में काम कर रहे हैं तो 1.50 मीटर, 211.50, NGC, डेट 11/4/2024 और चैनेज 0.00 अप टू 0.100। अब हमारे जो चैनेज हैं ये 0 से लेकर हमने स्टार्ट किया और 100 मीटर तक है, और हम 20-20 मीटर के ऊपर आपको नीचे बताएंगे कि चैनेज की जगह हम लिखेंगे, ये लिखेंगे 0.00 फर्स्ट चैनेज पे। साइड वो कौन सी साइड है, रोड की राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, इंटर साइड जो हम स्टाफ रेटिंग पढ़ते हैं उसको इंटर साइड कहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, और प्रीवियस लेवल। अभी ये लेयर हमारी लेयर नहीं, NGC है, क्लियरिंग रिपिंग के बाद NGC लेयर को तैयार करते हैं, सफाई करते हैं, रूट्स वगैरह क्लियर करते हैं, उसी कंपेक्शन करते हैं। तो उससे पहले जो हमने लेवल पढ़े होते हैं डिज़ाइन NSL, वो यहाँ पर लिखेंगे प्रीवियस लेवल की जगह पर, और प्रेजेंट लेवल पे की जगह पे हम लिखेंगे NGC के लेवल जो हम पढ़ेंगे NGC के, और इन दोनों के दरमियान में जो डिफ होगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे। आगे आ जाता है डिफ लिखेंगे कि दोनों के दरमियान में कितना फ़र्क है, टिक के मतलब मैं आपको बताता हूँ। आगे रिक्वायर्ड लेवल आ जाएगी, अगर जब आप अगले काम करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लिखेंगे FRL कि आपने कहाँ तक रोड का टॉप फिनिशिंग रोड लेवल क्या होगा। फॉर एग्जांपल रोड का फिनिशिंग रोड लेवल है 211.00, तो यहाँ पर अभी आप काम कर रहे हैं एम्बैकमेंट पे, तो यहाँ पर आप रिक्वायर्ड लेवल लिखते हैं एम्बैकमेंट फर्स्ट, तो एम्बैकमेंट फर्स्ट का और जो प्रीवियस लेवल आपका हो जाएगा NGC का, उसके दरमियान में जो आपकी लेयर होगी 15 सेंटी की, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे टिक में लिखेंगे, ठीक है।
रिमार्क्स रिमार्क्स में आप कोई छोटे मोटे नोट्स अपना कोई है साइड पे रीडिंग एक्स्ट्रा कोई तो आप वो लिख सकते हैं। तो अभी आपको ये बताते हैं कि कैसे फिल करते हैं इसको। हाँ व्यूअर जी, मैंने आपको बताया कि मैं आपको आगे फिल करके बताता हूँ। ये आप देख रहे हैं चैन एच 0.00 साइड जो है वो राइट साइड है रोड की, और ये इंटर साइड जो हमने पढ़ी है कौन सी पढ़ी है, ये एनजीसी का जो प्रेजेंट लेवल है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं प्रेजेंट लेवल, ये वाला एनजीसी का जो पढ़ा है 210.40, उसकी इंटर साइड बन रही है 1.10। हमने 1.10 पढ़ी और उसका लेवल है 210.40। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं HY2, ये आपको मैं दोबारा बताता हूँ, चैन एच 0.00 रोड की जो साइड है वो राइट साइड है, और हमने जो स्टाफ रेटिंग पढ़ी इंटर साइड वो है 1.10। 211.50 ऊपर आप देखें आई रेफ इंस्ट्रूमेंट से माइनस किया इंटर साइड को, तो लेवल हमारा वहाँ पे जो है वो 210.40 है। इसी जो प्रीवियस लेवल है NSL नेचुरल स्पॉट लेवल वो है 210.43, यानी कि वहाँ पर 3 CNT की कटिंग है, रूट्स वगैरह कटे गए हैं, तो लेवल हमारा डाउन होकर 210.40। तो इन दोनों के दरमियान में जो डिफ आया वो 3 CNT का है, 0.03। जो हमारा रोड का FRL है वो 213.00 है, यानी अभी हम जो NGC है 210.40 और 213.00 जो हमारा फिनिशिंग रोड लेवल होगा है, उसके दरमियान में जो फ़र्क है वो है 2.60 मीटर का, 2.60 मीटर का, ठीक है। तो अभी इसमें जो 2.60 मीटर है, इसमें ये देखें आपके लिए मैंने ये इधर लिख दिया, इसमें जो हमारा रोड का जो स्ट्रक्चर है ऊपर से आप देख लें कि एम्बैकमेंट हमारी आएगी 1.85 की, यानी जो मिट्टी की फिलिंग होगी वो 15 सेंटी की 6 इंच की आएगी, और वो टोटल बनेगी 12 लेयरें, और वो बनेगी 1.80 और 5 सेंटी की एक लेयर आ जाएगी 5 सेंटी की, वो हम इसी में एडजस्टमेंट करके ये करेंगे। लेकिन हमारी जो एक्चुअल जो लेयरें बन रही हैं वो 12 लेयरें बन रही हैं 15 सेंटी के हिसाब से। उसके बाद नीचे आ जाए हमारा जो बाकी स्ट्रक्चर रह जाएगा वो 0.75 का रह जाएगा, इसमें सब ग्रेड की है 0.15, सब बेस 0.15, और इसमें है वाटर बोर्ड मैकेडमिक ये है 0.15, और असफाल्ट है 0.10 यानी 4 इंच की, और वेरिंग कोर्स आ जाएगी 0.05 तकरीबन 2 इंच की है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है 0.75 का, और ऊपर जो एम्बैकमेंट है 1.85 ये है हमारी उसकी एम्बैकमेंट क्लियर है, जो मिट्टी क्लियर है पहले फिल होंगे, उसके बाद फिर हमारा जाएगा सब ग्रेड सब बेस वाटर बॉन्ड असफाल्ट और वेरिंग कोर्स। तो व्यूअर्स आज मैंने कोशिश की है काफ़ी कि आपको बताऊँ कि लेवल शीट कैसे बनते हैं, तो फिर भी अगर आप कोई हो तो आप अपने कमेंट्स में अपने सजेशन दे सकते हैं। तो अगला प्रोग्राम हमारा मज़ीद इसी लेवल शीट के मुतालिक पार्ट 2 होगा, ये आज का प्रोग्राम हमारा था पार्ट 1, तो इसमें आपको मज़ीद इसमें डिटेल से बताएंगे कि कोई कमी रह गई तो उसमें आपको वो कंप्लीट कर दें। इसके बाद फिर आपको ये बताएंगे साइड के ऊपर लेवल कैसे पढ़ते हैं, ऑटो लेवल को कैसे सेट करते हैं, ये स्टेप बाई स्टेप पार्ट 1, 2, 3 से सबसे प्रोग्राम हमारे चलेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।